हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने एक विलेज ढूंढा था और आयरन आर्मर बनाने का ट्राई किया था, बट वो भी पूरा नहीं कर पाए थे। मतलब पिछले वाला एपिसोड मेरे को बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं आया। तो इसीलिए आज किस वाले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि एक फुल डायमंड आर्मर बना लूँ। सो इसीलिए हमें माइनिंग पे जाना पड़ेगा एंड उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि टॉर्चेस, थोड़ी मोटी वुड कलेक्ट करना है, थोड़ा मोटा फूड कलेक्ट करना। और अपने विलेज में है तो फूड भी हो जाएगा, और मैंने पिछले वाले एपिसोड में लूटा भी नहीं था, तो थोड़ा मोटा लूट कर लेते हैं। बाकी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है लूट करना। सो थोड़ी मोटी हेबल्स को ले लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे पास आई थिंक सो ज़्यादा फूड काफ़ी है, इतने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो ज़्यादा हेबल नहीं लूँगा मैं, थोड़ी सी ही लूँगा। और मेरा प्लान है मैं यहीं पे ही एक केव बनाऊँ, तो थोड़ी सी वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं, यहीं से कलेक्ट कर लेते हैं विलेजर का घर तोड़ के, क्योंकि मुझे ज़्यादा वैसे ज़रूरत है नहीं वुड की। आगे जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी वुड की। सो मुझे सीधा डिग डाउन करने, और मैंने थोड़ी सी टॉर्चेज नहीं बनाई, अभी बना लेते हैं। माइनिंग करने से मुझे कोल भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, तो उसकी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है। बस मेन मोटिव ये है कि हम डायमंड का आर्मर बना लें। मैंने एक्चुअली जब भी मैं माइनक्राफ्ट खेला हूँ, एक्चुअली सर्वाइवल में पहले मैं खेलता था, सो मैंने आज तक डायमंड आर्मर नहीं बनाया। और ये लो आयरन भी मिल गया, और यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री फुल हो रखी है यार। और मैं वापस तो जाने वाला नहीं हूँ यार इन्वेंट्री को सेट करने। मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाके कोई रूम बना लेंगे एंड उसके बाद में वहाँ चेस्ट्स लगा लेंगे, क्योंकि वुड तो है अपने पास, तो चेस्ट लगा के उसमें स्टोर कर लेंगे एंड फिर माइनिंग कर लेंगे। अभी मेरा मन नहीं है यार, माइनिंग करने लग गए तो फिर बस। और लो भाई एम्बरल्ड का और मिल गया। इसको ऐसे तो माइन करूंगा नहीं, मैं सिल्क टच वाले पिकेक्स से माइन करूंगा। ओके, मुझे यहाँ पर कोल मिल चुका है, फटाफट से इसको माइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ मैं नीचे। एक्चुअली मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मैं एक्चुअली मैं एक पहाड़ के ऊपर था, आपको भी पता होगा जो विलेज था अपना वो पहाड़ के ऊपर था, एंड वहाँ से मैंने माइनिंग करना स्टार्ट किया जो कि था 112 वाई एक्सिस पे। इसीलिए मैं सीधा डिग डाउन कर रहा हूँ नीचे। तो गाइज मैं यहीं पे एक रूम बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना सारा सामान स्टोर कर दूंगा। यहाँ पर गोल्ड का और भी पड़ा इधर, और लो भाई पिकेक्स भी गई। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूम बना दिया, इसमें डबल चेस्ट लगा दी है दो दो, और सारी इन्वेंटरी भी एकदम सही से जचा दी है। तो यहाँ पर मैं माइनिंग करने ही लगा था, और इतने में मुझे याद आया कि मैंने पिकेक्सेस ही नहीं बनाई। नेक्स्ट डे तो सबसे पहली बात मैंने टेक्सचर चेंज कर लिए हैं, फेथफुल करके कोई टेक्सचर है मैंने वो लगा लिए हैं, जिससे यार मेरे को है ना जो मैं पहले यूज़ कर रहा था बेयर बोन करके, वो बढ़िया है पर यार उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही वो मतलब प्लेन प्लेन सा हो रहा था, तब मैंने ये वाला टेक्सचर लगाया है। एक्चुअली मैं -59 लेवल पे मैं पहुँचने वाला हूँ, 1.18 में सबसे ज़्यादा डायमंड्स यही मिलते हैं, सो इसीलिए मैं जा रहा हूँ इधर। तो मेरी टॉर्चेस ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसलिए वापस आया था। सो -60 लेवल पे पहुंच चुके हैं, बस सबसे बोरिंग काम करना है स्ट्रेट माइनिंग। सो ओके गाइस, वहाँ पर मुझे गोल्ड मिल चुका है, तो वैसे अभी के लिए मेरे को गोल्ड की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गोल्ड से हम आर्मर तो बनाने वाले हैं नहीं। इतनी खुशी
लेट्स सी कितने डायमंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। Nice. यहाँ पर तो मुझे 8 डायमंड्स मिल चुके हैं। लेट्स सी कितने और मिलते हैं। और ज्यादा माइनिंग करेंगे, स्ट्रेट माइनिंग करने वाले हैं और देखते कितने डायमंड मिलते हैं। गोल्ड मिल चुका है, इसको माइन कर लेते हैं। अरे ये क्या है, यहाँ पर तो एक ही था। अब आप सोच रहे होगे मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो माइनिंग कर रहा था केव में। तो यार हुआ यूँ कि मैं माइनिंग ही कर रहा था एंड मुझे डायमंड्स भी मिले थोड़े मोटे, तो जो रिकॉर्डिंग हुई वो सेव नहीं हुई एंड वो पार्ट आपको नहीं दिखा पाया मैं। सो मैं नीचे कुछ डायमंड्स छोड़ के भी आया हूँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि अभी मैं एक फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स बनाऊंगा एंड उससे हमें ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे। मैंने मेरे डायमंड्स को सेव भी कर लिए एक चेस्ट में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये 15 डायमंड तो हमारे पास मिल चुके हैं एंड 3 डायमंड एक डायमंड पिकेक्स बनाने में लग गए। और कुछ डायमंड्स मैंने नीचे छोड़ दिए हैं, मैंने उनके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए हैं जिनको हम बाद में माइन कर लेंगे। तो मेरे को एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाना है एंड उससे मुझे एक फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स लेनी है। फॉर्च्यून 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, जो भी मिलता है देखते हैं। वो मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं वाटर बकेट ही नहीं लेके गया था, मैं लावा को बुझाता किससे। एंड मेरे हिसाब से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ वो भी वहाँ से। अब मैं आपको वहाँ मिलता हूँ जहाँ मुझे लावा मिलता है। ठीक है, तो गाइस मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था लावा पूल एंड फाइनली मिल चुका है। लगभग 1 घंटे तक माइनिंग किया एंड फिर मिल गया मुझे, तो सही है, लावा पूल चाहिए था एंड वो मिल चुका है। अब मैं जल्दी से जल्दी, अभी के लिए मुझे 12 ऑब्सीडियन चाहिए, तो जल्दी से जल्दी कलेक्ट करते हैं। 12 ऑब्सीडियन इसलिए चाहिए, 4 तो उसमें लगेंगे एन्चेंटमेंट टेबल में एंड बाकी के मैं नेदर पोर्टल बना लूँगा। जब मैं लावा पूल ढूंढ रहा था तो मेरे को थोड़े से डायमंड भी मिले थे। अभी ऐसे ही जाना पड़ता है ऊपर एंड एक बात नोटिस करी, आवाज़ नहीं आ रही ब्लॉक प्लेस होने की, मतलब नेट लैग हुआ है। ओके ऑल वेट व्हाट, भाई क्या था ये। गाइज मैं नहीं मानूंगा ये वाला, मैं अभी सर्वाइवल में एक बार भी नहीं मरा एंड अभी मैं नेट लैग की वजह से मर गया, तो भाई मैं तो नहीं मानने वाला यार। अभी मेरे पास पिकेक्सेस भी नहीं है इधर, और तो मैं इधर से 2 माइनिंग करता हूँ, थोड़े मोटी शायद पिकेक्स आ ही जाए इधर। क्या यार मैं तो नहीं मानूंगा भाई, आप भी मत मानना। तो यहाँ पर मेरे पास सब कुछ कलेक्ट हो चुका था अब तक, बट मेरे पास अभी तक एक बुक नहीं थी जो कि मुझे चाहिए थी एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए। तो बुक के लिए मुझे थोड़े से शुगर केन चाहिए, तो वो मैं कलेक्ट करके मिलता हूँ। तो गाइस मुझे यहाँ पर से दिख रहा है, देख सकते हो वहाँ पर थोड़े से शुगर केन दिख रहे हैं, तो उसको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं फटाफट से। नीचे ही था पहाड़ी के, अपने जो विलेज है उससे नीचे ही था। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से बोन मील है, तो इनको थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं। एक बोन मील से ग्रो फुल वाला हो रहा है शायद से, हाँ एक बोन मील से फुल ग्रो हो रहा है शुगर केन, मुझे पता नहीं थी चीज़। मुझे लगा था 2-3 बोन मिल मारने से एक ग्रो होता है, बट हाँ हो रहा है। और मुझे और नीचे बस एक बुक बनानी है एंड एक एन्चेंटमेंट टेबल बन जाए, उसके बाद में हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। बिकॉज़ यार मेरे को लगता नहीं है कि मुझे इस वीडियो में फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स मिलेगी, तो मैं ट्राई करूँगा एक लेक्टन वाला आइडिया सही रहेगा। एन्चेंटमेंट टेबल मेरे हिसाब से उससे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमें बुक शेल्फ्स चाहिए होती है लेवल 3 की फुल एन्चेंटमेंट लेने के लिए।
हम ऐसा कर सकते हैं कि लेक्टन लगाया फिर तोड़ा, लगाया फिर तोड़ा, ऐसे करने से होता है कि मिल जाए फॉर्चून 3। सो देखते हैं क्या करते हैं। बाद में मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाई और काफ़ी सारा काम किया। मैंने फ्लैचिंग टेबल भी बना लिया ताकि मैं ट्रेड कर सकूं। एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, फॉर्चून 3 की पिकैक्स नहीं मिल रही थी मुझे, बिकॉज मेरे पास बुकशेल्स नहीं थी। एंड बुकशेल्स कलेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। यहाँ से मैंने काफ़ी सारी वुड कलेक्ट करी एंड उसकी स्टिक बना ली। मैं अपने विलेज के पीछे की साइड एक वो है जंगल टाइप है, तो वहाँ से मैंने थोड़ी मोटी सैपलिंग्स भी लाया क्योंकि यहाँ पर एक भी ट्री नहीं था और इन्हीं के घर तोड़ तोड़ के स्टिक्स ट्रेड किए हैं। यहाँ पर देख सकते कितनी सारी स्टिक्स बना रखी है मैंने। बाद में मैंने एन्चेंटमेंट टेबल पे गया, वहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेकआउट किया। मैं कुछ भी मिल नहीं रहा था और मैंने डिसाइड किया एक फ्लैचिंग टेबल बना के थोड़ी सी ट्रेड करेंगे तो हमारी थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। एंड उसके बाद में मैंने ग्रेवल को तोड़ा एंड मैंने फ्लैचिंग टेबल बना लिया एक और।